हमारी सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बटन को हिट कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये बेबी फ्रॉक बनाना दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने कपड़े को फोल्ड फोल्ड किया। पहले इसको हम टू फोल्ड करेंगे, दोनों किनारे को ऐसे जोड़ लेंगे, उसके बाद फोल्ड करेंगे। मैंने फोर फोल्ड किया। अब इसके ऊपर हम ड्राइंग करेंगे, थोड़ी हम शेप दे देंगे, वहाँ से मार्क करेंगे 10 इंच। दोनों साइड में मैंने 10 इंच के लिया और दोनों लाइन को हम जोड़ देंगे। यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, उसके बाद मार्क यहाँ पे मार्क करेंगे और वहाँ से इसके नीचे के किनारे तक हम जोड़ देंगे। उसके बाद इस साइड, उसके बाद दोनों साइड में हमने जो मार्क लिया था 10 इंच, वहाँ से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और सेव दे देंगे। इसके बाद यहाँ से हम लेंगे 1 इंच, 1 इंच मार्क करके हम सेप दे देंगे ऐसे, फिर हम कट कर लेंगे। अब हम कट कर लेंगे। हो गए मेरे नीचे की घेर। अब हम ऊपर के लिए कपड़े लेंगे। दोनों कपड़े देखिए, इसको ऐसे रख कर दोनों को ऐसे फोल्ड करके अब हम यहाँ से हम 4 इंच में मार्क करेंगे और फिर 1/2 इंच यहाँ से 5 इंच और फिर 1/2 इंच। अब दोनों लाइन को हम जोड़ दें। यहाँ से हम लेंगे 3 इंच और यहाँ से भी लेंगे हम 3.5 इंच, और जहाँ हम इस साइड में 3 इंच लिया था वहाँ फिर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और फिर शेप दे देंगे। और यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच और फिर से शेप दे देंगे। और दोनों शेप के बीच में 1/2 इंच का गैप है और उसके बाद हम कट लेंगे। इसको ऐसे कटिंग करके जो हमने 2 इंच पर मार्क किया था उसके थोड़ी ऊपर ऐसे शेप देकर थोड़ी सी कपड़े रखकर कट करेंगे। ये पीछे वाले हेयर 2 इंच पर हम कटिंग करेंगे, वो आगे की तरफ होंगे। उससे पहले हम इस एक कपड़े को उसके अंदर से निकाल लेंगे। फिर से फोल्ड करके 2 इंच वाले मार्क हम कट देंगे। कटिंग जो 3 इंच पर मार्क किया था वो कटिंग नहीं करेंगे, वो मैंने समझाने के लिए ड्राइंग किया था। अब हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए मैंने कपड़े की चौड़ाई लिया 1.5 इंच, उसके बाद आधे इसको ऐसे रख के ड्रेस की भी बैक की साइड हमने पाइपिंग को रख कर पाइपिंग करेंगे। देखिए फैन कैसे पाइपिंग करती हूँ मैं।
इसको ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लिया और मेरी हो गई मेरी पाइपिंग। ऐसे ही हमने साड़ी कपड़े को पाइपिंग कर लेंगे, साड़ी और पाइपिंग लगा लेंगे, दूसरी पीस पर भी पाइपिंग लगा लेंगे हम। एक कपड़े मैंने लंबाई लिया 4 इंच। ए ड्रेस की एक साइड में मैंने जो चौड़ा फीता लगाया उसके लिए कपड़े लिया। फिर हमने कपड़े को इसके ऊपर ऐसे रख कर स्टिच करेंगे। हो गए हमने हमारी ड्रेस की एक दोनों साइड से पाइपिंग लगाना कंप्लीट हो गए। अब हम घेर के लिए जो कपड़े रखे थे उसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। ये मेरी पाइपिंग लगाना हो गया। आप दोनों कपड़े को स्टिच कर लेंगे, राइट साइड के ऊपर दूसरी कपड़े को रख कर दोनों साइड में हमने स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड मेरी स्टिच करना हो गया। अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो ऊपर के लिए मैंने कपड़े रेडी रखा था वो भी स्टिच करेंगे। राइट साइड के ऊपर राइट साइड रख कर दोनों को ऐसे रख कर दोनों के ऐसे रख कर हम स्टिच करेंगे। दोनों साइड हम मार्क कर लेंगे, पहले मार्क करने के बाद स्टिच कर लेंगे। इसको ऐसे मार्क करेंगे। अब हम स्टिच कर लेंगे। अब इस साइड को ऐसे फोल्ड करके फिर हम स्टिच कर लेंगे। अब हम कपड़े के सीधे कर लेंगे। हमने सीधा कर लिया। अब घेर के अंदर जोड़ देंगे। तो ऐसे रख कर दोनों साइड में जहाँ हमने स्टिच किया था दो लाइन को ऐसे रख कर साड़ी और हम स्टिच कर लेंगे। मेरी स्टिच करना हो गया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तैयार हो गया मेरी बेबी फ्रॉक। अब इसके ऊपर एक फ्लावर बसाएंगे। उसके लिए मैंने कपड़े लिया 6 इंच लंबाई। पहले आप इसकी नाप देखिए,
कंप्लीट होने के बाद नाप है 7.5 इंच और इसका फुल नाप है 16.5 इंच। और फ्लावर के जो मैंने कपड़े लिया वो 6 इंच लंबाई है, चौड़ाई है 1 इंच। और इसके हैंड स्टिच देखिए फ्रेंड, मेरी ब्यूटीफुल सा फ्रॉक, बेबी फ्रॉक बनाना कंप्लीट हो गया। आई होप कि वीडियो आप सबको पसंद आया है। अगर इसे पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।